जहां योगी सरकार सड़क हादसों में कमी लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर बेलगाम वाहन फर्राटे भर रहे हैं, जिसका कहर यातायात का पालन करने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां अमरोहा के थाना गजरौली के नेशनल हाईवे 9 पर तेज रफ्तार दूध के कंटेनर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसके बाद युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी तोड़कर जमकर हंगामा काटा। दरअसल घटना के बाद परिजनों ने शव को चोपला चौकी पर रखकर हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर पहुंचे आला अधिकारी ने मोर्चा संभालते हुए गुस्साए लोगों को शांत कराया और कार्रवाई का भरोसा दिया। आपको बता दें कि गजरौला पुलिस में कंटेनर चालक को दबोच लिया गया है। मृतक के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। ये थाना गजरौला अंतर्गत नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे पर भानपुर गांव के पास हाईवे होटल है, हाईवे रिसॉर्ट होटल है, उसके सामने आज करीब 2:30 बजे एक दुर्घटना हुई टैंकर और मोटरसाइकिल की। दूध का टैंकर था और जिसमें एक व्यक्ति गंभीर हालत में मजरूब स्थिति में था। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने उस टैंकर का पीछा किया, टैंकर और चालक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया और उसको थाने पर भेज दिया तथा मजरूब जो विकास जाटो था उसको पुलिस द्वारा गाड़ी में लेकर के अस्पताल ले जाने लगी, तो उनके परिजनों और ग्रामीणों ने पीछे से प्रहार किया जिससे गाड़ी का शीशा टूट गया और आगे से आकर के चोपला पे गाड़ी को रोक दिया और शव को उतार लिया उन्होंने, और उसके बाद कहने लगे कि ये मृत हो गई है, यहीं कार्रवाई होगी। उस समय बहुत आक्रोशित थे, फोर्स भी अतिरिक्त मात्रा में आ गई, लोगों को समझाया बुझाया गया, उसके आधार पर इन्होंने तहरीर दी और शव को वास्ते पंचायतनामा करके वास्ते PM भेज दिया गया है और स्थिति पूर्णतः सामान्य है। पुलिस की गाड़ी में जब ये शव लेकर चलने लगे तो पीछे से घूसे से मारा है, उसका हाथ भी चुटैल हो गया जिससे शीशा टूट गया है। अब इस समय स्थिति पूर्णतः सामान्य है और परिजन भी संतुष्ट हैं, पुलिस ने कार्यवाही संपूर्ण कर ली थी। रफ्तार का कहर जारी है। हर रोज हो रहे सड़क हादसों के बाद जहां जनता अपनों को खोने का दर्द झेल रही है, वहीं सरकार एक बार फिर सोचने को मजबूर है कि सड़क हादसों में कमी कैसे लाई जाए। पंजाब केसरी के लिए अमरोहा से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।